हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस होंडा ब्रश कटर। ये जो है इस होंडा ब्रश कटर से ये जो आगे नायलॉन की वायर लगी हुई होती है कटिंग के लिए, उसे इसमें इंस्टॉल कैसे करना है। ये देखिए, इसकी वायर ख़त्म हो गई है, तो हमें आज हम देखेंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रेस करना है। फिर इसी प्रकार से इस साइड में एक गैप होता है, यहाँ पे ये लॉक होता है, उसे आपको प्रेस करना है दोनों तरफ से। प्रेस करने के बाद दोस्तों ये देखिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स लगाने के बाद इस प्रकार से ये उसका कवर आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इस कवर को अलग रखना है और अंदर के इस पार्ट को बाहर निकालना है। फिर ये जो अंदर की नायलॉन वायर होती है, उस नायलॉन वायर को आपको लगभग 2 से 3 मीटर आपको ये नायलन की वायर लेनी है। फिर उसे 2 हिस्सों में बांटना है, एग्जैक्ट बराबर 2 हिस्सों में आपको बांटना है। फिर वो जो आपको सेंटर यहाँ पे मिलेगा पॉइंट से, यहाँ पे इस प्रकार से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको उसे इसमें एक आपको खांचा दिखाई देगा, ये देखिए इस खांचे में आपको इसे डालना है, ये देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रकार से फंसाना है और फिर इसको इस प्रकार से रोल करते जाना है। ये देखिए इस प्रकार से इस पूरी वायर को इसमें रोल करना है दोस्तों। तो इसे इस प्रकार से हमने ये देखिए रोल करके ले लिया है। फिर दोनों वायर्स को यहाँ पे एक खांचा होगा इस प्रकार से, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक होता है, उसमें से इस वायर को जो दोनों साइड्स है उनको निकाल के लेना है। निकाल के लेने के बाद ये आपका कंप्लीट इसका लोडिंग वायर का हो गया। फिर इसे फिर से लगाने के लिए ये जो कैप आपने निकाला था उसको इसमें इस तरह से डालना है, देखिए। और ये जो यहाँ पे आपने प्रेस करके निकाला था उसी दिशा में इसे फिर से उस बॉक्स में फिट करना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक स्प्रिंग होती है, ध्यान रहे कि स्प्रिंग अपने पोजीशन पे है। फिर इसमें जो ये वायर है इसे इस ये जो होल्स होते हैं ये वाले होल्स, ये देखिए ये वाले, इसमें से अंदर से बाहर निकालना है। इधर साइड से एक और इधर साइड से एक होता है, वहाँ पे इस प्रकार से डालते हुए इस वायर को अंदर से बाहर की तरफ खींचना है, ये देखिए। और इसे स्प्रिंग के ऊपर इसको लगाना है, ये देखिए दोस्तों, इसको हमने दोनों तरफ से इस तरह से निकाल लिया है। अब इस वायर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा वायर चाहिए होगी लगभग इतनी इतनी, तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये देखिए दोस्तों, ये वायर दोनों तरफ से इस तरह से बाहर आएगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, थोड़ा ख़राब हो गया है, यहाँ देखिए ये इंटैक्ट है। तो इस वायर को जितना भी चाहे आप ले सकते हैं, और लंबा खींचने के लिए आपको यहाँ पे इसे प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद थोड़ी थोड़ी इस वायर को खींचना होगा दोनों तरफ से, तब ये वायर आपको जितनी चाहिए उतनी लंबी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इस वायर को ज़्यादा नहीं रखना है,
ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, मैं जितना दिखा रहा हूँ उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको मशीन घुमाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और एक चीज़ की आप ध्यान रखें दोस्तों, कि इस वायर को एक साइड में कम और एक साइड में ज़्यादा ऐसा कभी ना रखें, दोनों साइड में इक्वल लेंथ की वायर आपको बाहर होनी चाहिए, नहीं तो मशीन आपका बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। इसी प्रकार से जब आप इसको एक ब्लेड लगाते हैं, तो उस ब्लेड को भी अगर उस बहुत ज़्यादा आपका मशीन वाइब्रेट करने लगता है, तो इसका मतलब आपके ब्लेड की जो एक साइड की धार है वो घिसी हुई, ज़्यादा घिसी हुई है, तो आपकी ब्लेड चेंज करने का टाइम आ गया है दोस्तों, वरना आपका मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और आपको उस प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा कि किस लिए मशीन वाइब्रेट कर रहा है।